ये बाग महमूद है, यहाँ से इंकलाब आता है। बाग महमूद में हमको बहुत ज्यादा तकलीफ है। उनका वक्त तो निकल जाता है, फिर लात मार के भुला जाते हैं। स्कूल का मुस्तकबिल बहुत खराब है। अभी हम लोग का वक्त तो आएगा, फिर हम लोग भी वैसी करेंगे। यहाँ के जो लोग है हर रोज समझ लो मर रहे हैं। काम नहीं कर रहा, ये गुंठेवारी है, यहाँ पर काम काज नहीं होगा। दारू पीने वाले कैसे बहन बेटी जाएंगी हमारी वहाँ? ये चट्टू पट्टू वाले रहते ना, हमको भगा देते हैं। निस्ता मुदारा पीर के ये कोने पकड़े रहते, वो कोना पकड़े रहते, ये सिला दिए हमको। मानव समाचार, मानवता के हक में। फैंसी गारमेंट एंड किड्स मॉल, शेरवानी, कोट पैंट, थ्री पीस, शूटिंग, शर्टिंग, टेलरिंग, बच्चे और बच्चियों के लिए कई सारे कपड़ों की वैरायटियां। हमारा पता आयशा नगर पुलिस स्टेशन के सामने, हजार खोली मालेगांव, प्रोप्राइटर चांद खान। बाग महमूद नाम आते ही जहन में खुशगवार एहसास आता है कि काफी विकसित इलाका होगा, पुख्ता पक्की सड़कें होंगी, हर तरीके की सहूलत होगी। बाग के नाम से एहसास होता होगा कि बड़े बड़े खुशनुमा गार्डन होंगे, बच्चे खेलते होंगे, हर तरीके की खुशहाली इस इलाके में होगी। मगर जब इस इलाके में आप आओगे तब इस इलाके की हकीकत आपको समझ में आ जाएगी। आपके जहन में जो एक पुख्ता सड़क का एहसास होगा, जैसे ही इस इलाके में आएंगे सबसे पहले जो कच्चे रास्ते का पहला गड़ा जब आपकी गाड़ी को एक धक्का देगा, तब वो सारे सपने आपके टूट जाएंगे और सारी इस इलाके की हकीकत सामने आ जाएगी। पिछले 15-20 साल से ये इलाका यहाँ पर आबाद है, मगर 15-20 साल में भी इस इलाके के अंदर डेवलप का कोई काम नहीं हुआ है। ये इलाका जैसा रोज अव्वल से था, आज तक ये इलाका वैसा ही है। कई तरह की दिक्कतें, कई तरह के मसाइल आज भी यहाँ पर जैसे के तैसे ही हैं। इस बारे में हम इलाके के लोगों से मिलने के लिए आए। सबसे पहले मेरे साथ यहाँ पर साजिद अहमद है, साजिद अहमद से जानना चाहेंगे। साजिद भाई, क्या कहना चाहेंगे आप? सबसे पहली बात तो ये हादसा पेश आया बाग महमूद में, नुमानी पुल के ऊपर 14 साल की एक बच्ची नदी के अंदर गिर गई। ये हमारे लिए बहुत शर्मनाक की बात है। और दूसरी बात ये कि जैसे नुमानी पुल पे आज तक सियासत होती आई है, नुमानी पुल पे लोग इलेक्शन जीते आ रहे हो दो नंबर, बाकी इस पे बहुत सियासत होती आई है। तो मेरा बोलना ये है दादा भुजे साहब से, दादा भुजे आपने एक ब्रिज बनाया है ये जहाँ गणपति दुपी है वहाँ पे, तो वो ब्रिज और ये ब्रिज में बहुत फर्क है। तो आपका वार्ड आता है, आपका एरिया आता है, आपका हल्का आता है, तो आपको बोलना ये है कि आप ये पुल क्यों ऐसा कुछ करके दीजिए। आपने यहाँ इलेक्शन के टाइम में वादा किया था कि बाग महमूद में बहुत काम करूंगा, काम करके दूंगा, आप मुझे वोट दो। पूरा बाग महमूद आपको वोट दिया, यहाँ पे माँ बहने रोजा रखी है, रोजा रखते लोग को वोट दिया आपको। तो आपके गुजारिश ये है कि आपको बोलना ये है कि आप ये पुल का कुछ ना कुछ करके दीजिए। और दूसरी बात ये कि जैसे जो पुल है अल्लामा इकबाल पुल, यहाँ से रास्ता जो उतरते है वो आप आगे देख सकते हो रास्ता कैसा है। हाँ, माँ बहने चल नहीं पाती आज वहाँ पे, नदी में पानी आने की वजह से पुल बंद हो गया, यहाँ से लोग आ नहीं पाते है। डिलीवरी का मामला हो, रात में दवा खाना जाना हो, किसकी गाड़ी गिर जा रही है वहाँ से, कोई बाया चलते चलते गिर जा रही है। तो मेरा बोलना आपसे यही है कि बराए मेहरबानी आप जरा आगे विजिट करें यहाँ पे, कमिश्नर साहब भी विजिट करें आप यहाँ पे कि लोग यहाँ कैसे रहते हैं, किस तरह रहते हैं, कैसी तकलीफ लोग यहाँ पे उठा रहे हैं, ये बोलना मेरा आपसे वो है। अली साहब, इनका कहना है कि सिर्फ वोट देने के लिए नहीं, यहाँ पर भी बाकायदा इंसान रहते हैं, सांसें लेते हैं, जिंदगियां जीते हैं। जिस तरीके से आपके इलाके में ये सारी सहूलियात जरूरियात हैं, वैसे ही उन सारी सहूलियात जरूरियात के ये भी मतलाशियां, ये भी चाहते हैं कि इनके इलाके में ये सारे जो सहूलियात हो। अब्दुल सलाम मेरे साथ यहाँ पर है, माशाल्लाह बहुत अच्छे खिदमतगार हैं, इनके बारे में किसी को बताने की जरूरत नहीं। अब्दुल सलाम साहब, इस इलाके के बारे में, यहाँ के डेवलपमेंट के बारे में क्या कहेंगे आप? मैं बाग महमूद में आने को मेरे को 8 महीना हो गया है। लोग बोलते हैं कि बाग महमूद में बहुत काम हो रहा है, पर जब यहाँ आके देखा हूँ माले बाग महमूद के अंदर, तो जब बारिश आती है पानी आया तो बाग महमूद में लोग चलने के वादे है। ये नुमानी पुल जो बना है इस पे हर पार्टी के लोग, दोनों MLA इधर का और उधर के दोनों MLA सियासत करते हैं कि हम मालेगांव का आमदार बोले थे कि मैं जैसे चुन चाहूंगा नुमानी पुल बनाऊंगा, वादा खिलाफी। तो मेरा कहने का मतलब है मालेगांव के आमदार मुक्ति इस्माइल साहब को कि पहले नुमानी पुल बनाओ, वादा को मुकम्मल करो। अब रह गया इधर के MLA दादा भूसे साहब, ये भी ऐसा बोले थे कि मेरी पार्टी, मैं बहुत काम करता हूँ। तो मेरा कहने का मतलब है
आप बहुत काम करते हो, आगे यहाँ देखो तो नुमानी पुल बागे महमूद के क्या हाल चाल है। अभी एक बच्चिया बह गई है, इससे पहले रिक्शा पलट गया। सिर्फ दोनों मिलजुल कर सियासी लोग अपनी सियासी रोटी छेक रहे हैं। याद रखना ये बागे महमूद है, यहाँ से इंकलाब आता है। अगर दोनों MLA हमारी बस्ती के लिए नुमानी पुल का कुछ काम नहीं करे तो याद रखना ये कौम बोलेंगे नहीं। आने वाले वक्त में हम और से दोनों सियासी को बता देंगे कि हम क्या है। बिल्कुल, यहाँ इन्होंने बताया कि भले ही 5 साल आपके हाथ में हो, मगर 5 साल के बाद एक दिन ऐसा आता है जो आवाम का दिन होता है, और उस वक्त आवाम के हाथ में फैसला होता है, फिर आवाम उस दिन अपने मुस्तकबिल का फैसला करती है। ऐसा ना हो कि इलाकों से आपको मायूस जाना पड़े, क्या कहना चाहिए? मेरे भी यही राय है कि बाग महमूद के लिए बहुत कुछ बोले दादा भूसे साहब, विनोद वाघ साहब की रोड बनाएंगे, गटर बनाएंगे, बहुत कुछ वादा कर करके इलेक्शन के टाइम आते वादा करते, उसके बाद उनका वक्त तो निकल जाता है, फिर लात मार के भुला जाते। अभी हम लोग का वक्त आएगा, फिर हम लोग भी वैसी करेंगे। रोड का काम करने बोले, नदी में एक बच्ची गिर गई है, हर टाइम नदी में कुछ ना कुछ हादसा होते रहता है, पानी बढ़ जाता है तो रोड भी नहीं बनाते। अल्लामा इकबाल बोलते बोलते अभी बनाएंगे, गणपति के बाद बनाएंगे, कभी बोलते दशहरे के बाद बनाएंगे, कभी बोलते बारिश बाद बनाएंगे, सब वक्त तो वही देते। अभी हम लोग का वक्त आएंगे तो वो क्या करेंगे? मेरा इतना ही बोलना है कि रोड और गटर सब बनाओ और पुल के ऊपर ध्यान दो। इसके पहले अभी इलेक्शन के टाइम दादा भोसे यहाँ आए थे, वादा किए थे कि रोड गटर इलेक्शन के पहले मैं काम शुरू कर दूंगा, आज तक का कुछ हुआ नहीं है। उसके बाद नुमानी पुल के बारे में कई टाइम बात की है तो बोलते हम बना देंगे, ऊंचा कर देंगे, ऊंचा कर देंगे, आज तक का वो भी हुआ नहीं। अभी 15 दिन पहले एक बच्ची रिक्शे में उसकी माँ के साथ आ रही थी, वो रिक्शा पलटी खा गया, लोगों ने पकड़ कर निकाला वो रिक्शा, नहीं तो वो दोनों माँ बेटी चली जाती। तो हमारी गुजारिश है कि यार इधर ध्यान दे। इस वक्त अरशद हाजी मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ पर 15 साल से ये बस्ती बसी हुई है, यहाँ के रोज यहाँ के जो लोग हैं हर रोज समझ लो मर रहे हैं, तकलीफ उठा रहे हैं। आज तकरीबन है तो दादा भूसे का मकदान सन आता है, ये यहाँ पर है तो शिवसेना के और BJP के कारपोरेटर है, ये लोग भी खाली आते हैं अपना मतलब हाजिरी लगाते हैं और चले जाते हैं, बोलते हैं ये गुंठेवारी है, यहाँ पर काम काज नहीं होगा। शहर में भी दूसरी जगह भी सब गुंठेवारी एरिया है, वहाँ पर नगर सेवक लोग काम काज कर रहे हैं, रोड गटर बुनियादी सहूलत यहाँ पर एक भी नहीं है। आज अपनी जो पब्लिक है सब बुनियादी सहूलत से महरूम है। आज सबसे ज़्यादा घर पट्टी नल पट्टी है तो मालेगांव के लोग भरते हैं और आउटर के लोग सहूलत उठा रहे हैं, तो इसका क्या है? आवाज़ उठाओ, बेदारी कब पैदा होंगी? मतलब आवाम कुछ है तो कदम उठाना चाह रही है, लेकिन है तो कुछ ना कुछ है तो किसी ना किसी को आगे आना है ना। अगर ये आवाम अगर रोड पर आ गई बागे महमूद की और ये किला वार्ड इस्लामाबाद वार्ड की, तो फिर यहाँ मतलब है तो पूरे गांव के लोग एक होंगे फिर। और इंशाल्लाह अब हम तो कोशिश करेंगे कि यार पूरे वार्ड के लोगों को सबको लेकर इस मुहिम में आगे से आगे रहेंगे। जाहिर सी बात है यहाँ पर इनका साफ कहना है कि 2600 रुपये आज की तारीख में नल पट्टी वसूली जाती है। नल पट्टी जो देने वाला तबका है, मालेगांव शहर की करीब करीब 70% आबादी से जो है कसीर तादाद में कसीर रकम जो है मालेगांव कारपोरेशन को मिलती है, मगर जो सहूलत मिलनी चाहिए वो सहूलत नहीं मिल रही है। यहाँ के लोगों का कहना ये है कि इस इलाके में बाग महमूद के इलाके में शिवसेना BJP के कारपोरेटर है, बस वो भी खानापुरी के हिसाब से यहाँ पर आते हैं, कभी अमली तौर पर इन इलाकों में कोई काम नहीं हुआ है। घुंटेवारी जमीन कह के सिर्फ उनको छोड़ दिया जाता है। अगर ये घुंटेवारी जमीन पर आप इनको तामीरी काम नहीं कर सकते, यहाँ कोई तामीरी काम नहीं हो सकता, तब इस इलाके से वोट लेने का हक आपको किसने दिया? जिनके लिए आप काम नहीं कर सकते उनका वोट क्यों लेते हो फिर? क्या आपके गैरत उस वक्त गवारा करती है? क्या ये आपकी बेगैरती नहीं है कि जिन इलाकों से वोट पाते हो सिर्फ ये कहकर आप छुटकारा पा लेते? घुंटेवारी जमीन है तब फिर क्यों आप इन इलाके में आते हो? तब क्यों इन इलाकों के लोगों का वोट लेते हो? इस इलाके की हमारी कुछ बहनें हैं, रोजाना सबसे ज्यादा दिक्कतों का सामना इनको भी करना पड़ता है, इसलिए हमने जरूरी समझा कि इनकी भी यहाँ पर राय ली जाए। आपा क्या कहना चाहेंगे आप? बाग महमूद में हमको बहुत ज्यादा तकलीफ है, हमारे बच्चे स्कूल नहीं जा सकते, ये पुल ऐसा बना है थोड़ा भी पानी छोड़ते तो पुल के ऊपर से चलने लगता है। अब बच्चे स्कूल मदरसा जाएं तो किधर से जाएं? ये रास्ता तो ऐसा है कि आने जाने वाले गिर जाते हैं, गाड़ी लेके गिर जाते हैं, ट्राली पलट जाती है, रिक्शा पलट जाता है, ये रास्ता ऐसा है। ना गटर की सुविधा है, ना रोड की सुविधा है,
हमारे बच्चे कैसे चल रहे हैं। एक तो पहले ही स्कूल इतने दिन बंद थी, अभी स्कूल चालू भी है तो उसमें ये मसला आ जाता है। सब चीज को हमको बहुत ज्यादा तकलीफ है। तो भैया हम लोग की दरख्वास्त है कि आप मेहरबानी करके ये पुल को ऊंचा करें, ये रोड को सुधारें और गटर सीधा करें। इतना परेशान हो गए हम लोग, ये महल से परेशान हो गए, कुछ काम नहीं कर रहा, बच्चे बह जाते हमारे, कैसे क्या करना तुम बताओ। रोड नहीं अच्छी, इधर से जाओ तो देखो तो पानी आ जाता है, बच्चों को स्कूल का मुस्तकबिल बहुत खराब है, कैसे क्या करेंगे हम लोग बताओ तुम। ये रोड पे दारू पीने वाले कैसे बहन बेटी जाएंगी हमारी वहाँ, रात में भी ऐसी करते, कैसे बहु बेटी हमारी उधर से आएंगी जाएंगी, तुम बोलो बहु बेटी कैसे आएंगे जाएंगे। निस्ता मुतारा पीट के ये कोने पकड़े रहते, वो कोना पकड़े रहते, इधर देखो रोड देखो अच्छी नहीं है, आते तो किचन पानी में भी गिर जाते हम। अच्छा एक चीज का और मुझे यहाँ एहसास हो रहा है, देखिए एक आप लोग औरतें हैं, औरतों का दर्द औरतें ही बेहतर जानती है। रात के औकात में अगर हमारी किसी बहन को डिलीवरी का मामला आता होगा तब ऐसी सूरत में कैसी परेशानी होती है? इतनी बहुत बड़ी परेशानी होती है कि भाई लेकर नहीं जा सकते हम लोग, कोई भी वक्त तो वो मिले, एक तो रिक्शे वाले नहीं आते हैं, बेटे हमको जरूरत पड़ जाती तो रिक्शे वाले नहीं इधर आते, सब बोलते कि रास्ता सही नहीं है, हम कैसे आना। वो भाई को हम कितनी परेशानी की हालात में लेके जाते होंगे, तुम सोचो भाई तड़फड़ा तड़फड़ा के हम कैसे कैसे ले जाते, हमारा दिल जानता है, अल्लाह जानता है हमारा। जाहिर सी बात है जो बहनें जो अपना दर्द बयान कर रही है खास तौर से डिलीवरी के मामलात को लेकर, कहते हैं कि उस डिलीवरी का अमल इतना दर्दनाक होता है कि अगर किसी इंसान के बदन की पूरी हड्डी एक साथ तोड़ दी जाए तो जितना दर्द होता है उतना ही दर्द जो है वो एक माँ को होता है। मगर ऐसे में एक तो उसका अपना जो कुदरती दर्द है वो तो है ही, मगर ये जो बैरूनी दर्द है जो लोग इस तरीके की लापरवाही करके यहाँ पर इस इलाके को जिन्होंने लावारिस छोड़ दिया है, शायद वो इस दर्द को महसूस नहीं कर रहे, पता नहीं उनके माँ बहने हैं नहीं है, या वो इस दर्द से गुजरती है नहीं है, मगर इस इलाके की बहनों का दर्द साफ इनकी आंखों से दिखाई दे रहा है। अब देखते हैं कब इनकी गैरत जागती है या फिर इस बार फिर झोली उठाए भीख मांगने के लिए और की भीख मांगने के लिए इन्हीं के दरवाजे पर दोबारा वो नजर आएंगे। आप क्या करेंगे और ऐसे लोगों का, ये तो आने वाले वक्त में ये खुद अपना मुस्तकबिल तय करने वाले हैं। बाग महमूद का इलाका जहां से शुरू होता है, जहां से आप बाग महमूद में दाखिल होते हैं और पहली मुलाकात आपकी एक बड़े से खड्डे से फिसलती हुई सड़क से होती है, उसी जगह पर मैं यहाँ पर खड़ा हूँ। हमारे साथ वही हमारी बहने हैं, वही हमारी माँ है जो अपने दर्द को बयान कर रही हैं। बोलिए। हाँ ये दादा साहब का इलेक्शन था, हमको क्या बोले, जलसा लिया हमारे से और बोले चाची तुम रोजा रखना, मैं सब बना दूंगा, एक एक जगह जगह बना दूंगा और बाग महमूद को ये महल बना दूंगा, मगर वो कुछ भी नहीं करे ना, दोबारा यहाँ आ लाए तो भी आए नहीं। हम 6-7 बार मीठा मुंह करने के लिए रिक्शा कर के उनके दर पे गए, मगर वो आदमी कुछ मिले नहीं। ये चट्टू पट्टू वाले रहते ना हमको भगा देते हैं, मगर रोजा रखने की कितनी बड़ी अहमियत है, हम रोजा रख के और ऐसे ही दौड़े दिन भर 6 बजे तक, जब तक वोटिंग बंद नहीं हुई जब तक हम वैसे ही दौड़ते हुए रहे। ये सिला दिए हमको, हम चलते हैं तो गिर जाते हैं, बारिश आती है तो उधर पानी भर जाता तो गिर पड़ जाते हैं, हमारी सांस कितनी फूलती है देखो, उतनी दूर से इतनी दूर लाए मेरी सांस फूल रही है, और आके दोबारा देखे नहीं बाग महमूद को, क्या मैं बोल के आया था और क्या हुआ है क्या नहीं हो रहा है, कम से कम देखना तो चाहिए, कोई सुनवाई नहीं। हम लोग ने रोजा रखा है, नमाज पढ़ा दो रोजा बोले रखो, हम लोग ने रोजा रखे, शुक्रिया अदा करे माँ बहन का नानी लोग का, ये उनका हक है, इतने छोटे छोटे बच्चे सब मुझे बोल के फुला फुला के, इतनी दिक्कत है स्कूल की, दिक्कत है 12 बजे छोड़ता है पानी, बच्चे लोग आते जाते स्कूल में, और हम जाएंगे तो हम भी उनके साथ चले जाएंगे, उसको निकाले ना उसको, कौन उसके जिम्मेदार है। बाग महमूद को जो तुमने वादा करे थे उसको खिलाफ मत करो, अब बहुत टाइम हो गया।
तो मंत्री दादा बाबू भूसे, दादा साहेब भूसे लोगों में बहुत पॉपुलर, विकास पुरुष के हर तरफ तरक्की का उनका नारा है, हर तरफ तरक्की दिखाई देती है, जगह जगह गेट नजर आ रहे हैं, जगह जगह कई तरह के उन्होंने उद्घाटन किए हैं, मगर ये इलाका उन्हीं के एरिया में आता है। अब मैं उनसे किस तरीके से सवाल करूं कि ये लोग जो है जिन्होंने उनके लिए नमाजें अदा की, दुआ मांगी, रोजे रखे, रोजे रखने के बाद जब ये लोग मुलाकात की गरज से वहाँ पर जाते हैं तो इन लोगों को उनसे मिलने नहीं दिया जाता? नहीं मिलते, बिल्कुल नहीं मिलते। सब पेड़ा फूल, सब 60-70 दफे पेड़ा फूल खराब हो गया, गिल्ला हो गया, हम फेंक दिए। आप 2.5 साल पहले उद्धव ठाकरे हुकूमत में भी मंत्री थे, अब आप एकनाथ शिंदे की हुकूमत में भी आप मंत्री हैं, आपको हर बार मंत्री पद मिला है, आप दीगर एमएलए से ज्यादा पावर रखते हैं, मगर आपके अपने हद्दी में आने वाले ये इलाके, क्या इन लोगों को डेवलप होने का हक हासिल नहीं है? इनको तामीर और तरक्की का इसे जो आपने वादा किया था, क्या वो वादा पूरा नहीं करना चाहिए? जल्दी की जल्दी आओ, हमारे बागे महमूद का सर्वे करो और काम बढ़ाओ, हमारे वालों का काम बढ़ाओ, नुमानी पुल पास करो ऊंचे लेवल पे, और नहीं तो हम सब पूरी बस्ती के कमीशन के लग जाएंगे और धरना देंगे। ये बात एकदम सोच लो, हम बोल नहीं रहे, इस पर इंशाल्लाह अमल करेंगे। पूरे बागे महमूद की आवाम की तरफ से दादा भूसे मंत्री साहब को हम ये चीज़ के बारे में, अल्लामा इकबाल पुल के ताल्लुक से रास्ते के बारे में हम लोगों ने 2-3 मरतबा धरना भी दिया, बोला भी गया है, मगर उसके बाद भी ये रास्ते का काम मुकम्मल नहीं हो रहा है। और जो नुमानी पुल इतना नीचे बनने की वजह से बागे महमूद की आवाम को कहीं से आने जाने का, बाहर निकलने का कोई रास्ता की सहूलत नहीं है। अगर चारों तरफ से ये रास्ता जो हिसाब से है तो बागे महमूद की आवाम कौन से तरीके से बाहर निकल सकती? आज इस रास्ते के ऊपर मोटरसाइकिल से हो या दवा खाने का कोई मसले मसाइल हो या कोई भी इंसानी ज़रूरत हो तो इस रास्ते से अगर मुकाम इसको पार करना है बागे महमूद से अल्लामा पुल तक तो कम से कम 20 मिनट जाता है। आज रास्ता का कम्प्लीट हो जाएगा तो ये 20 मिनट का रास्ता 5 मिनट में हर इंसान पार कर सकेगा। और उसके बाद सिटी लाइट यहाँ का बंद है, पीने वाले जो यहाँ बैठते हैं अगर कोई अपराध यहाँ उनको बोलता है तो झगड़े के मोड़ पे मामला आ जाता है। पुलिस प्रशासन भी जो है इस चीज़ पे तवज्जो नहीं दे रही है। तो ये हमारी पूरी भाग है महमूद से सबसे ज़्यादा गुजारिश मंत्री मोदी साहब को है। अच्छा, जहाँ से ये ब्रिज शुरू होता है और यहाँ से जो लोग नीचे उतरते हैं, यहाँ पर एक पुलिस चौकी भी है जहाँ तक मैं समझता हूँ, मेरी आंखें देख पा रही है, तो मेरी आंखें देखती है कि वहाँ पुलिस चौकी भी है। पुलिस चौकी मुझे तो दिखाई दे रही है, मगर उस पुलिस चौकी में बैठने वाले पुलिस लोगों को क्या इस तरह के जो नशे में डूबे रहते हैं इस तरह के लोग दिखाई नहीं देते? क्या उन लोगों को ये नजर नहीं आते? ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। हर एक शख्स ने किस्तों में मुझको लूटा है, मेरा खुलूस मुझे और क्या सजा देगा? अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं, अपने आप को धोखे में महसूस कर रहे हैं यहाँ के लोग, क्योंकि जो वादे इनसे किए गए थे तो वादे पूरे नहीं हुए। इनसे नमाजें अदा करवाई गई, रोजे रखवाए गए, मगर जो लीडरों की तरफ से अमल होना था वो अमल इन तक नहीं हुआ, इन पर नहीं हुआ, इनके इलाके पर नहीं हुआ, और ये आज भी उन तमाम सहूलियात से महरूम है, अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। बागे महमूद का ये पूरा इलाका जहाँ से आप शुरू होते हैं, शुरुआत में ही रात के औकात में यहाँ पर शराबी कबाबी लोग बैठा करते हैं, और जब हमारी माए बहने वो बुरका पोश बहने, वो इज्जत वाली बहने, वो इफ्फत वाली बहने जब यहाँ से गुजरती हैं, तब उनको एक तरह का डर, एक तरह का भय उनसे महसूस होता है, मगर ना उनके ऊपर कोई कार्रवाई होती है, ना तेजी से गुजर जाने के लिए इस रोड को बनाया जा रहा है ताकि ये पूरे इलाके से लोग तेजी से गुजर जाएं और कोई हादसे का या किसी चीज का शिकार ना हो।